विच्छेद भी करते हो ट्राई यानी थ्री और एंगल यानी कोण, तीन कोणों से मिलकर बनी आकृति को अपनी भाषा में बोलते हैं। लेकिन यहां सबसे पहले जो है त्रिभुज की परिभाषा है, और त्रिभुज की जो परिभाषा है वो क्या है, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। में तीन शीर्ष, तीन कोण और तीन भुजा होती है। तक अपन ने पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही अपन बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे अपन इसको अपन पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास में आ गए तो इसकी जो डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन शीर्ष, तीन कोण, तीन भुजा होती है। इसका फिगर बना लें, यह ए, यह बी, यह सी, तीन शीर्ष ए बी, ये इसके शीर्ष होते हैं, तीन कोण, कोण ए को नाम बोला जाता है, अपन इसे दो नामों से बोलते हैं, बी ए सी भी बोल सकते हैं इसको, या कोण सी ए बी भी कह सकते। ऐसे कोण बी को बोला जाता है नाम ए बी सी, या कोण सी बी ए। ऐसे कोण सी होता है जिसके दो नाम होते हैं ए सी बी, या कोण बी सी ए। तीन भुजा ए बी, बी सी और सी ए। तो इस तरह से अपने को जैसे ये पहला कोण ए हुआ, दूसरा कोण बी हुआ, तीसरा कोण सी हुआ, और पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा सी। तो ये त्रिभुज की परिभाषा थी, त्रिभुज से रिलेटेड मैंने सब आपको बता दिए, इसे आप उतार लें। फिर आपको सर्वांग समता के बारे में समझाते हैं कि सर्वांग समता क्या चीज है। जब आप उतार लें मुझे बता दें। हो गया सर, जिसका नहीं हो वो ही बोले, जिसका हो गया है वो एक बार वापस लर्न कर ले क्या समझाया सर ने।
नहीं सर। हो गया सर। चलिए हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। हाँ हाँ बिल्कुल आराम से मैंने सुन लिया। सबके डिलीट भी करने में टाइम लगता है। सर्दी में बैठा हूँ, आप घर में बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ। अगला टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता, और उससे पहले मैं आपको इसकी सर्वांग समता के बारे में समझाता हूँ कि सर्वांग समता होती क्या चीज है और इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्ग्रुएंस, होता है। मैं पहले इसके डेफिनेशन बता देता हूं। परिभाषा, दो आकृतियां जिनका आकार एवं माप समान हो, परंतु स्थितियां अलग अलग हो, सर्वांग समाकृतियां दूसरे आयत के बराबर हो सकता है। कैसे?
अरे भाई मैंने कहा कि आकार, आकार का मतलब दोनों आकृतियां अपने पास आयत है। और माप, ये भी 10 सेमी, ये भी 10 सेमी, ये 6 सेमी, ये 6 सेमी। तो दोनों आकृतियां आकार हो गए आयत, माप समान है, इसका मतलब ये दोनों सर्वात्मक। व्रत ले लो, दो व्रत ले लो, और अगर दोनों की त्रिज्याएं अगर समान है, इसकी भी त्रिज्या 3 सेमी, इसकी भी त्रिज्या 3 सेमी, तो दोनों वृत्त क्या होंगे आपस में सर्वांग। दो वर्ग ले लो, इसकी भुजा भी 5 सेमी, और दूसरा वर्ग ले रहे हैं पर इसकी भुजा भी 5 सेमी। तो ये क्या होगा, एक वर्ग 5 सेमी है, दूसरा वर्ग 5 सेमी है, दोनों वर्ग की भुजा 5-5 सेमी है, है? तो क्या होगा, दोनों आपस में क्या होंगे सर्वांग समान। और सर्वांग समता को अपन कैसे दर्शाते हैं, जब दो आकृतियां अपने पास आ जाती है तो सर्वांग समता का जो चिन्ह है उसे हम कैसे दर्शाते हैं, दो लाइन और फिर हम क्या करेंगे, यू आएगा नीचे से ऐसे, तो दो लाइन बिल्कुल सीधी। ये एक सर्वांग समता दो आकृतियों में प्रदर्शित करने का होता है। ये दो आकृति आप इस परिभाषा को, और ये थोड़ा सा मेरा उदाहरण बताया इसके बारे में उतार लीजिए, फिर मैं आपको फिर मुझे इस पर बात करता किस प्रकार। अच्छे तरीके से बोलते हो आप, बहुत बढ़िया। आप मेरा शुभ नाम बताना अपना। पहली बार जुड़े होंगे क्लास से? हाँ जी, हो गया सर। नहीं अभी थोड़ी देर पहले, परसों भी शायद मेरे हिसाब से सत्यप्रकाश जी मुझे समझाया होगा, हो गया सर। ठीक है, हो गया सर, हो गया सर। सर्वांग समता क्या चीज है, वही बात जैसे आयत में सर्वांग समता होती है वैसे ही त्रिभुज में होती है, और वैसे ही वर्ग में होती है वैसे ही वृत्त में होती है वैसे त्रिभुज में होती है। तो दो त्रिभुज अपन बनाए हमारे पास दो ट्रायंगल अपन ने बना लिए, और मैं कहूं कि इस ट्रायंगल का नाम एबीसी है और इस ट्रायंगल का नाम पीक्यू।
ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, ए सी भुजा पी आर के बराबर है, तो यह अपन यहाँ लिखेंगे कि साहब ए बी बराबर तो है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, और ए सी बराबर है पी आर के। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है सर्वांग सम हो गए। नियम हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए नोटेड करने वाली बात ही, तो एक एग्जांपल से मैंने समझाया है कि त्रिभुज, एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज से सर्वांग समता करने के लिए कम से कम तीन अवयवों की परस्पर में आवश्यकता है। लैंग्वेज को समझे, अगर अपन त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता में एक त्रिभुज में छह अवयव होते हैं, तीन भुजा तीन कोण, शीर्ष को नहीं लेना है आपको, एक त्रिभुज के तीन भुजा तीन कोण, दूसरे त्रिभुज के तीन भुजा तीन कोणों में से केवल तीन, कम से कम तीन अवयव कोई से भी हो सकते हैं, चाहे वो तीनों भुजाएं हो सकती है, चाहे वो भुजा कोण भुजा यानी दो भुजा और इनके मध्य का कोण हो सकता है, चाहे वो दो कोण उनके मध्य की भुजा हो सकती है, चाहे वो दो कोण और एक संगत भुजा भी हो सकती है। अगर इन चारों नियम से या फिर समकोण त्रिभुज भुजा नियम है उसमें भी हो सकता है, तो एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज की सर्वांग समता अगर सिद्ध करनी है तो कम से कम तीन अवयव की परस्पर में आवश्यकता होती है, आपस में समान हो तो ही वो त्रिभुज की सर्वांग समता कहलाती है, और वो त्रिभुज परस्पर में आपस में समान भी होंगे। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही है, बाकी